नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद परिणामों की बारी। जी हां, आज तय हो जाएगी कि सरकार कौन बनाने जा रहा है बिहार में। इसे लेकर के मतगणना जारी है। इस बीच बता दें कि ये जो जब परिणाम जो रुझान सामने आ रहे हैं काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए बाजी मारते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर ले महागठबंधन की तो महागठबंधन पिछड़ते हुए नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य जो है वो जिस तरह से हमने एग्जिट पोल के नतीजे बताए थे कि अन्य के खाते में 7 से 8 सीटें जाएंगी, तो कसमकस उसी आकलन में अभी भी चल रहा है। जो अन्य की सीटें हैं 7 से 8 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुआ है अन्य। तो आगे बात कर लेते हैं कि अब तक के क्या रुझान आए हैं। तो आपको बता दें कि अब तक जदयू जो है 126 प्लस सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं राजद की बात करें तो 103 पर जो है अपनी पकड़ बनाए हुआ है राजद। वहीं लोजपा की बात कर ले तो 2 सीटें और अन्य के खातों में अभी 12 सीटें नजर आ रही हैं। हम 7-8 बताए थे लेकिन अभी जो अपडेट हमारे पास आया है उसमें 12 सीटों पर अन्य जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो वही आपको बता दें कि अन्य से कम 2 सीटों पर जो है वो AIMIM जो पार्टी है AIMIM वो बढ़त बनाए हुए हैं 2 सीटों पर, जिसमें राजद 50, कांग्रेस 23 और जो लेफ्ट है 20 सीटों पर आगे हैं। हाँ जी हाँ, आपको बता दें राजद जो है वो 50 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो 23 सीटें और लेफ्ट के खाते में भी अच्छी खासी सीटें जा रही हैं। 20 सीटों पर लेफ्ट अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते जो है मतगणना काफ़ी धीरे धीरे हो रही है। जी हाँ, काफ़ी स्लो है स्पीड मतगणना की। इस बीच खबर है कि कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच 200,000 वोटों का अंतर है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें 55 से ज़्यादा सीटों पर 1,000 वोटों का, करीब 30 सीटों पर 500 से कम वोटों का अंतर है। वहीं 7 सीटों पर 200 सीटों का अंतर है। इस्लामपुर में जहां 82 तो वहीं नरकटियागंज में 100 वोटों का अंतर है। जी हां, इस तरह के अंतर अभी देखने को सामने आ रहे हैं। वहीं बात कर ले तो नोखा की तो 70 वोटों का भी अंतर देखा जा रहा है और बाजपट्टी में यह अंतर 26 वोटों का है। जी हाँ, सुगौली की बात करें तो उसमें जो है सुगौली सीट पर बता दे 69 वोट का जो है वो अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं एकमा में 200 और आरा में 126 वोटों का अंतर अभी नज़र आ रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि दूसरी ओर बिहारगंज में सिर्फ 9, कस्बा में सिर्फ 5 वोटों का अंतर है, तो काफ़ी कम अंतराल में है। वही बताया गया है कि अब तक औसतन 9 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। जी हाँ, अब तक 9 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। और अभी तक कुल कास्ट किए गए जो वोट्स में सिर्फ आधे की ही गिनती हुई है। तो देखिए, जो आंकड़े हैं, जो रुझान सामने आए हैं, अभी तक जो वोट कास्ट किए उसमें से आधे की गिनती हुई है, आधे अभी बाकी है, तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी और जदयू ऑफिस के बाहर जश्न जरूर मनाए जा रहे हैं। वही एक तरफ देखा जाए तो कल तक जश्न मनाने वाला राजद जो है वो इस समय मायूस नजर आ रहा है। उनके जो समर्थक है वो पार्टी कार्यालय के बाहर काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आधे जो है ना, आधे वोटिंग के जो काउंसलिंग है वो बाकी है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्राप्त रुझानों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 243 सीटों में से राजग 122 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि विपक्षी महागठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 72 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सहयोगी जदयू 46 सीट और वीआईपी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
तो महागठबंधन से राजद 62 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर। भाकपा माले की बात करें तो 13 सीट, भाकपा 3 और माकपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों से आगे चल रही है। तो ये अब तक के रुझान है, और इस रुझान में देखा जाए तो एनडीए जो है वो बाजी मारते हुए नजर आ रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो भी तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनके अभी परिणाम सामने आने वाले हैं, और जो भी आस लगाए बैठे हैं कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, तो अभी भी समय है, और देखा जाए तो जो तस्वीरें हैं वो कभी भी बदल सकती है। तो तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक ले इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।